जहां आज का टॉपिक बॉस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां पर हम बात करेंगे लूपिंग कॉन्सेप्ट की। और मेरा यह मानना है कि यदि आपको किसी लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट के साथ साथ लॉजिक पे अगर फोकस करना है तो लूप इज द बेस्ट टॉपिक। कॉन्सेप्ट ये बोलता है बॉस कि जब आपको अपने प्रोग्राम में रिपीटेटिव टास्क परफॉर्म करनी है, जब आपके प्रोग्राम का लॉजिक इस तरीके से है कि आपको लग रहा है कि अरे बॉस ये कुछ स्टेटमेंट अगर रिपीट हो जाएंगी तो मेरा ये आउटपुट आ जाएगा, तो जब भी प्रोग्रामिंग में रिपीटेटिव टास्क परफॉर्म करनी होती है तो वहां पर हम C++ में यूज करते हैं लूप का कॉन्सेप्ट। तो किसी भी लूप की बेसिक तीन रिक्वायरमेंट क्या है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। लेकिन जब हम C++ में लूप की बात करते हैं तो C++ में हमारे पास तीन टाइप के लूप होते हैं। सबसे पहला लूप है व्हाइल लूप, सेकेंड लूप है फॉर लूप, ठीक है, और थर्ड है डू व्हाइल लूप। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर C++ प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में, जहां आज का टॉपिक बॉस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां पर हम बात करेंगे लूपिंग कॉन्सेप्ट की। और मेरा यह मानना है कि यदि आपको किसी लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट के साथ साथ लॉजिक पे अगर फोकस करना है तो लूप इज द बेस्ट टॉपिक, जो सबसे ज्यादा लॉजिक इंप्रूवमेंट में आपको काम आएगा लूपिंग कॉन्सेप्ट। नो डाउट टॉपिक सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन एक बात होती है ना कि बॉस किस टॉपिक में सबसे ज्यादा दिमाग चलेगा, जहां लॉजिक्स की बात होगी, यह है लूपिंग का टॉपिक, जहां पर हम ऑलमोस्ट 30-40 प्रोग्राम देखेंगे केवल लूपिंग को यूज करके। ठीक है, तो लूप क्या है, क्यों यूज किए जाते हैं, किस तरीके की एप्लीकेशंस में हम लूप को यूज करेंगे, फोकस रहिए थोड़ा सा। अगर आप बिगनर हैं, फर्स्ट टाइम लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं, तो बॉस मैं आपको बोलता हूं इससे बेस्ट टॉपिक आपको नहीं मिलेगा लॉजिक सीखने के लिए, राइट। तो हालांकि ये प्रीवियस हर टॉपिक का इंक्रीमेंटेड वर्जन है, इंक्रीमेंटेड वर्जन इन द सेंस कि अगर आप प्रीवियस टॉपिक को पढ़ते हुए आ रहे हैं तो लूप को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि हर टॉपिक प्रीवियसली कहीं ना कहीं हम लूप में यूज करेंगे, राइट। तो लास्ट लेक्चर इफ यू रिमेंबर हमने इफ एल्स का पढ़ा था, उसके मैंने आपको गो टू स्टेटमेंट का भी यूज बताया था। तो आप देखिए क्या होगा जब मैं अभी आपको लूप पढ़ाऊंगा, सो डोंट कंपेयर लूप विद गो टू स्टेटमेंट। गो टू अपने आप में एक डिफरेंट स्टेटमेंट और लूप अपने आप में एक अलग स्टेटमेंट है, क्योंकि होगा क्या अगर आप गो टू से इसको कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल कंफ्यूजन 100% होगा। सो डोंट कंपेयर दिस लूपिंग स्टेटमेंट विद गो टू। गो टू के मैंने आपको कुछ डिसएडवांटेज भी बताए थे, ठीक है, लेकिन लूप और गो टू में कोई सिमिलरिटी नहीं है। थोड़ा सा क्या होगा अगर आप गो टू के बाद इसको पढ़ेंगे तो आपको थोड़ी सी सिमिलर चीजें लगेंगी, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बात करते हैं लूपिंग स्टेटमेंट की और किस तरीके की प्रोग्रामिंग में हम लूपिंग स्टेटमेंट को यूज करेंगे C++ में। लेट्स टॉक अबाउट कितने टाइप के लूप होते हैं, लूप की क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो शानदार टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है, चलिए करते हैं शुरुआत यहां पे। तो आप देखिए सिंपल सा एक क्वेश्चन में अगर आपसे पूछूं कि सपोज यदि मैंने आपसे बोला कि यार अपना नाम प्रिंट करो, जस्ट राइट योर नेम, आप बोलोगे सर वेरी सिंपल, आप एक प्रोग्राम लिखोगे जहां पर आप लिख दोगे सी आउट, और मान लो अगर किसी का नाम है मनीष तो उसने लिख दिया मनीष, ठीक है। मैंने कहा वेरी गुड यार मनीष, बहुत समझदार बच्चा है, अरे तो प्रोग्राम बना दिया इसने तो, राइट। मैंने कहा काम करो मनीष अपने नाम को दो बार प्रिंट करो, उसने कहा ठीक है सर सी आउट मनीष, सी आउट मनीष। मैंने कहा वेरी गुड। अब मैंने उससे बोला बेटा मनीष एक काम कर अपने नाम को 100 times प्रिंट कर, 100 times मुझे केवल एक ही नाम प्रिंट करना, मनीष 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 100 times। अब आप देखो प्रोग्राम को अगर आप सोचोगे तो कुछ भी नहीं है, आपको एक ही स्टेटमेंट को बार 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 लिखना है, राइट। तो आप मुझे बताओ बेटर ऑप्शन क्या है, 100 times मनीष लिखूं या एक बार मनीष लिख के इसको 100 times रोटेट कर दूं, इस एक ही स्टेटमेंट को मैं 100 times रोटेट कर दूं, विच इज द बेस्ट ऑप्शन। तो आप बोलोगे सर ऑब्वियस ही बात है सेकंड वन, क्या आप एक बार मनीष लिखिए और 100 times उसी स्टेटमेंट को रोटेट करते जाइए तो 100 times मनीष प्रिंट हो जाएगा। इसका एडवांटेज ये है कि सर आपका भरोसा नहीं है, अगर आप 100 लिख देंगे तो आप बोलोगे 1000 लिख देंगे तो आप बोलोगे 2000। तो कहने का मतलब यह है यदि आप इस लॉजिक पे जाओगे जहां एक बार स्टेटमेंट लिख के अगर मैं उसको रोटेट कर रहा हूं तो फिर क्या 100 क्या 150 क्या 200 और क्या 1000। सो कॉन्सेप्ट ये बोलता है बॉस कि जब आपको अपने प्रोग्राम में रिपीटेटिव टास्क परफॉर्म करनी है, जब आपके प्रोग्राम का लॉजिक इस तरीके से है कि आपको लग रहा है कि अरे बॉस ये कुछ स्टेटमेंट अगर रिपीट हो जाएंगी तो मेरा ये आउटपुट आ जाएगा, तो जब भी प्रोग्रामिंग में रिपीटेटिव टास्क परफॉर्म करनी होती है तो वहां पर हम C++ में यूज करते हैं लूप का कॉन्सेप्ट। लूप इज बेसिकली यूज टू परफॉर्म रिपीटेटिव टास्क इन प्रोग्रामिंग।
तो ऐसे जितने भी प्रोग्राम जहां रिपीटेशन होता है, कुछ पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड है, वो दो लाइन हो सकती है, वो पांच लाइन हो सकती है, वो पचास लाइन हो सकती है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इस प्रोग्राम के लॉजिक में मुझे इस रोटेशन को, इन स्टेटमेंट को रोटेट करना पड़ेगा, सो द बेस्ट चॉइस यू शुड गो फॉर लूपिंग कॉन्सेप्ट। अब यहां बच्चों का एक क्वेश्चन आता है, सर हमें कैसे पता चलेगा कि इस प्रोग्राम में रिपीटेशन होगा या लूप लगेगा, राइट? कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि सर हमें कैसे, आप बोल रहे हो ठीक है ये प्रोग्राम है, लेकिन कई प्रोग्राम ऐसे होंगे जहां हमको कैसे पता चलेगा कि इस प्रोग्राम में लूप लगेगा या नहीं लगेगा, राइट? तो चलिए क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अगर आप सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं ना, तो बिल्कुल क्वेश्चन का जवाब इन द सेंस आप खुद सोचिए, और अगर आपको जवाब आ रहा है तो प्लीज इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा, राइट? यदि मैं आपसे बोलता हूं कि बॉस दो नंबर को ऐड करना है, ठीक है दो नंबर को ऐड करना है, क्या आप इसमें इफ एल्स को यूज करोगे? आप बोलोगे नहीं सर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही बात, दो नंबर के एडिशन के लिए आपको इफ एल्स की क्या जरूरत है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलता हूं कि एक नंबर इवन है या ऑड है इसको चेक करना है, तो अब आप इफ एल्स को यूज करोगे? सर बिल्कुल करेंगे। तो आपको कैसे समझ में आया कि यहां इफ एल्स को यूज करना है, यहां नहीं करना है, यहां स्विच केस यूज होगा, वावेल वाले प्रोग्राम में इफ एल्स यूज होगा? क्योंकि मेरे बच्चे ये सारे टॉपिक अभी आप पढ़ के आ रहे हो, तो जितने टॉपिक अभी तक आपने पढ़े हैं आपको समझ में आ रहा है ना कहां इफ एल्स यूज करना है, कहां नहीं करना है, कहां स्विच केस यूज करना है, कहां नहीं करना है। तो वैसे ही 10 प्रोग्राम लूप के बना लोगे तो खुद ही समझ जाओगे कोडिंग देख के, प्रोग्राम देख के, कि इसमें लूप लगेगा या नहीं लगेगा। आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इसमें रिपीटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, लॉजिक अपने आप बनेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस। लेकिन यदि किसी प्रोग्राम में लूप की रिक्वायरमेंट है, यदि आपको लगता है कि बॉस आपके इस प्रोग्राम में लूप लगेगा, तो लूप की बेसिक तीन रिक्वायरमेंट होती है, सुनना, कोई भी लूप, क्योंकि अभी मैं टाइप ऑफ लूप बताने वाला हूं कि C++ में वी हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप, ठीक है अलग अलग टाइप्स ऑफ लूप है हमारे पास C++ में, राइट? लेकिन यदि आपको लग रहा है कि इस प्रोग्राम में लूप लगेगा, राइट, तो फिर इस प्रोग्राम में अगर लूप लगेगा तो फिर आप यहां पे ध्यान से सुनिए कि लूप की बेसिक तीन रिक्वायरमेंट होती है। मतलब अगर आपको लग रहा है लूप का यूज है, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है लूप की इनिशियलाइजेशन। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है लूप की इनिशियलाइजेशन, यू हैव टू इनिशियलाइज योर लूप, आपको अपने लूप को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, बताता हूं मैं अभी इनिशियलाइजेशन क्या होता है। सेकंड रिक्वायरमेंट है लूप की कंडीशन, और तीसरी रिक्वायरमेंट है लूप की इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, दैट डिपेंड्स ऑन द लूप कि आप इंक्रीमेंट कर रहे हैं या डिक्रीमेंट कर रहे हैं। लेकिन बच्चे इस पूरे टॉपिक में, आज के लेक्चर में, केवल मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं लूप क्या होते हैं और किस तरीके की सिचुएशन में आप लूप को यूज करोगे प्रोग्रामिंग में। तो हमने क्या बात की कि जब भी प्रोग्रामिंग रिपीटेटिव टास्क को परफॉर्म करेगी, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं केवल, मैंने आपको क्या बोला, लूप इन C++, तो इसको और आप लिख दो इंट्रोडक्शन, ठीक है, दिस इज व्हाट द इंट्रोडक्शन ऑफ लूप की हम जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि बॉस लूप क्यों, Why we should go for looping concept, right? तो एक बार अगर आपको why समझ में आ गया तो फिर तो कहानी बड़ी आसान है। तो मैंने आपको क्या बोला कि जहां भी प्रोग्राम में रिपीटेटिव टास्क लगेगा, अभी बहुत से ऐसे प्रोग्राम हम बनाएंगे, रिवर्स ऑफ नंबर, पेलिंड्रोम नंबर, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, सीरीज प्रिंट करेंगे, ठीक है, इसके अलावा पिरामिड स्ट्रक्चर के प्रोग्राम देखेंगे, मैट्रिक्स के प्रोग्राम देखेंगे, और आने वाले 90% प्रोग्राम अब लूप से बनेंगे। सुनो आप, यहां से लेके एंड ऑफ द C++ तक हम जितने भी प्रोग्राम आप बनाएंगे, मैं आपको बोलता हूं 90% प्रोग्राम लूपिंग यूज करेगा। इसलिए फोकस 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 और फोकस, ठीक है। तो किसी भी लूप की बेसिक तीन रिक्वायरमेंट क्या है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। अब क्या मतलब हुआ इसका, सुनो आप, इनिशियलाइजेशन का मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियलाइजेशन का मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट, कि आपको अपना लूप कहां से शुरू करना है। जैसा फॉर एग्जाम्पल, सपोज अगर आप देखो, मैं आपसे बोलता हूं कि जिस, चलो एक रूम है, ये रूम है, सपोज इस रूम के राउंड लगाओ, तो आप गए वॉल को टच किए वापस आ गए, फिर सामने वॉल को टच किए वापस आ गए, तो आप लूप ही तो चला रहे हो ना, आप रिपीटेशन कर रहे हो आप, ठीक। लेकिन जब ये टास्क मैंने आपको दिया कि चलो इस रूम के राउंड लगाओ, तो आप क्या करोगे, 1 2 3, तो ये जो 1 आपने बोला है, दैट इज व्हाट, दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, कि आपने लूप कहां से शुरू किया, 1 से। तो कोई भी लूप अगर स्टार्ट होगा तो उसकी कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा कि ये लूप यहां से शुरू होगा, ठीक है, और वो जो स्टार्टिंग है वो कहलाता है लूप का इनिशियलाइजेशन। लेकिन अब देखो, इसी रूम के फिर राउंड लगाए, अब आपने कैसे राउंड लगाया, 1, ठीक है, 1 1, ठीक, तो आपको, सॉरी, 1 के बाद
अगर आपको 2 जाना है, 3 जाना है, 4 जाना है, 5 जाना है, तो आप बोलोगे सर कितने राउंड लगाएं, 1 से तो शुरू कर दिया, लेकिन कब तक चलना है, कहां तक चलना है? तो ये होती है लूप की कंडीशन, कि आपको लूप को कहां तक एग्जीक्यूट करना है, दैट इज व्हाट द कंडीशन ऑफ द लूप। कि यदि मैंने बोला 1 से शुरू करो, 10 तक चलना है, तो 1 आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, 10 आपकी कंडीशन हो गई। अब आप देखो, अब आप फिर से रूम के राउंड लगा रहे हो, सुनो ध्यान से, बिल्कुल एग्जांपल से पूरा लूप क्लियर हो जाएगा। रूम के राउंड लगा रहे हैं, रिपीटेशन कर रहे हैं, ठीक है, 1 से शुरू करना है, 10 तक चलना है। अभी भी देखो आप क्या होगा, 1 1 1 1, अरे कभी 10 तक पहुंचोगे? पहुंचे नहीं पाओगे, क्योंकि क्या मिस कर रहे हो आप, 1 के बाद बोलना था 2 3 4 5। अरे तो बच्चे इंक्रीमेंट भी तो जरूरी है ना, तो यदि यहां पर इंक्रीमेंट नहीं करोगे तो 10 तक कैसे पहुंचोगे? कंडीशन तक पहुंचने के लिए या तो आप इंक्रीमेंट करोगे या डिक्रीमेंट। अगर मैंने आपसे बोला कि 10 to 1 राउंड लगाओ, तो आप क्या बोलोगे? 10 9 8 7, तो आपने यहां डिक्रीमेंट किया। तो यदि लूप को प्रॉपर एग्जीक्यूट करना है, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इनिशियलाइजेशन जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है, कंडीशन जहां तक लूप को चलाना है, और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, वो डिपेंड करेगा लूप पे। लेकिन ये ध्यान रखना, अगर इनमें से एक भी स्टेटमेंट मिस हुई, क्योंकि ये तीनों कंपलसरी है किसी भी लूप के लिए, आपको स्टार्टिंग पॉइंट बताना है, आपको ये बताना है कि कहां तक चलना है, और उस कंडीशन तक पहुंचने के लिए आपको या तो इंक्रीमेंट करना पड़ेगा या डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। दैट डिपेंड्स ऑन द प्रोग्राम, वो प्रोग्रामिंग पे डिपेंड करेगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो प्लीज नोट करके रखिए, और एट द एंड कमेंट करिए, प्लीज कमेंट करिए इस टॉपिक को। क्या मैं तो बोल रहा हूं बॉस, किसी भी टॉपिक को आप लाइटली मत लो, कमेंट करिए, बताइए कि कहां इशू आ रहा है, ठीक है? तो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, समझ में आ गई बात? लेकिन जो मैं आपसे बोल रहा था कि यदि इन तीनों में से कुछ भी मिस हुआ, तो आपका प्रोग्राम इनफाइनाइट चला देगा लूप को। इनफाइनाइट मतलब वो लूप कहां रुकेगा इवन हमें भी नहीं पता होगा, अभी मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, डोंट वरी, कि इनफाइनाइट लूप क्या होता है। इनफाइनाइट मतलब ऐसा लूप जो रुकेगा ही नहीं, चलता रहेगा, चलता रहेगा। जैसे अगर मान लो आपने बोल दिया 1 से शुरू करो और 10 तक चलो, ठीक है, तो आपने क्या बता दी कंडीशन, ये बता दी कि मुझे लेस देन 10 तक चलाना है। अब इस 10 तक आपका प्रोग्राम पहुंच ही नहीं रहा, क्योंकि आपने इंक्रीमेंट छोड़ दिया, तो ये तो चलता रहेगा ना, 1 लेस देन 10 1 लेस देन 10 1 लेस देन 10। ओके, तो अभी मैं कंपैरिजन भी करने वाला हूं कि कंडीशनल स्टेटमेंट में और लूपिंग स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है? कंडीशनल स्टेटमेंट जो हमने अभी पढ़ा, इफ एल्स, और लूपिंग स्टेटमेंट जो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन पहले आप लूप के इंट्रोडक्शन को समझो, उसके बाद में कंपैरिजन पे भी आऊंगा, डोंट वरी, हम आसानी से कंपेयर करके उसको पढ़ लेंगे। लेकिन ये आपको समझ में आया कि किसी भी लूप की बेसिक 3 रिक्वायरमेंट क्या है, राइट? लेकिन जब हम C++ में लूप की बात करते हैं, तो C++ में हमारे पास 3 टाइप के लूप होते हैं। सबसे पहला लूप है वाइल लूप, सेकेंड लूप है फॉर लूप, ठीक है, और थर्ड है डू वाइल लूप, ठीक है? C++ में जो लूप्स होते हैं वो वाइल लूप है, फॉर लूप है, और तीसरा क्या है, डू वाइल लूप। मतलब 3 टाइप के लूप C++ में सपोर्टेबल है, वाइल, फॉर और डू वाइल। अब चाहे लूप वाइल हो, फॉर हो या डू वाइल हो, मैंने आपको क्या बोला, लूप कोई भी हो, हर लूप की बेसिक रिक्वायरमेंट है इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट। चाहे आप वाइल लूप को यूज करें तो भी आपका प्रोग्राम इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट मांगेगा, चाहे डू वाइल चाहे फॉर। 3 टाइप के लूप होते हैं C++ में, ठीक है, फॉर प्रोग्रामिंग, वाइल, फॉर और डू वाइल। और अब यहां पर भी एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सुनिए। जब आपको यह लग रहा है कि बॉस इस प्रोग्राम में लूप लगेगा, मान लो आपने एक प्रोग्राम देखा और आपको लॉजिक समझ में आ गया कि इस प्रोग्राम को मुझे लूप से बनाना है, तो फिर यह सुनना बेटा, अगर किसी प्रोग्राम में लूप लगेगा तो फिर वो प्रोग्राम वाइल से भी बन सकता है, फॉर से भी बन सकता है और डू वाइल से भी बन सकता है। ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है जो वाइल से बनेगा तो फॉर से नहीं बनेगा, या फॉर से बनेगा तो डू वाइल से नहीं बनेगा, या डू वाइल से बनेगा तो वाइल से नहीं बनेगा। C++ में अगर किसी प्रोग्राम में लूप लगेगा तो वो फॉर से भी बनेगा, वाइल से भी बनेगा, डू वाइल से भी बनेगा। तो फिर एक क्वेश्चन मार्क आ गया यहां पे, बिग क्वेश्चन मार्क, कि सर जब हर प्रोग्राम तीनों लूप से बन सकता है तो फिर 3 टाइप के लूप क्यों दिए हुए, एक ही लूप से काम हो जाता। बिल्कुल सही है, थॉट आना भी चाहिए ये, ठीक है? तो यहां पर आप सुनो इसका आंसर, कुछ ऐसे प्रोग्राम होंगे जो वाइल से इजी बनेंगे। अभी आपको जब तीनों पढ़ लोगे ना, आप 4-4 5-5 प्रोग्राम जब हम तीनों के बना लेंगे,
तब आपको ये डिफरेंस एक्चुअली समझ में आएगा कि जो प्रोग्राम, कुछ ऐसे प्रोग्राम होंगे जिनको आप वाइल से बनाओगे तो वो इजी बनेंगे, राइट। लेकिन वही प्रोग्राम अगर आप फॉर या डू वाइल से बनाने जाओगे तो थोड़ा सा लॉजिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, रीडेबिलिटी प्रॉपर नहीं होगी प्रोग्राम की, ठीक है। मतलब कुछ प्रोग्राम के लॉजिक्स वाइल से इजी होंगे, कुछ ऐसे प्रोग्राम आने वाले होंगे जो भी मैं बताने वाला हूं जिनको फॉर से बनाना ज्यादा बेटर है, खासकर नेस्टिंग के प्रोग्राम जो भी हम पढ़ेंगे कि नेस्टेड लूप फॉर ज्यादा बेटर है, और कुछ ऐसे प्रोग्राम है जहां डू वाइल बेटर है, जहां मेनू ड्रिवन एप्लीकेशंस की बात होती है वहां पर डू वाइल ज्यादा बेटर है। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है कि अगर वो डू वाइल से बनेगा तो वाइल से नहीं बनेगा, बनेगा, तीनों चॉइस है हमारे पास। लेकिन समझना यह है कि कहां वाइल लूप बेटर है, कहां फॉर लूप बेटर है और कहां डू वाइल लूप बेटर है। सपोज करो मैंने आपसे बोला बॉस मुझे यहां से गोवा जाना है, ठीक है, और ठीक है पैसे वैसे हैं, अमाउंट है, मतलब कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है, ठीक। नहीं तो बोलोगे सर क्योंकि मैं जो एग्जांपल ले रहा हूं उसके लिए पैसा जेब में होना थोड़ा सा जरूरी है, ठीक। मेरे को मुझे यहां से गोवा जाना है। अब आप समझिएगा, मतलब कन्वीनियंसी की बात हो रही है, एंटरटेनमेंट अपनी जगह है, लेकिन विच इज मेरे पास तीन ऑप्शन है, मैं फ्लाइट से जा सकता हूं, मैं बस से जा सकता हूं, मैं बाइक से जा सकता हूं, ठीक है। आप बोलोगे सर बाइक बेस्ट है, लेकिन कन्वीनियंसी की बात हो रही है कि बॉस तीनों ऑप्शन है मेरे पास, फ्लाइट, बस और बाइक, विच इज द बेस्ट कन्वीनियंट वे टू गो गोवा। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था ना कंडीशन कि पैसे हैं। अब बोलो पैसे हैं ही नहीं सर जेब में और फ्लाइट सोच रहे हो, अरे है बेटा है, कोई टेंशन नहीं है, राइट। तो आप मुझे बताएं विच इज द कन्वीनियंट वे। आप बोलोगे सर फ्लाइट, बिल्कुल सही। लेकिन अगर मान लो मुझे यहां से मार्केट जाना है, अब मेरे पास फ्लाइट है, ठीक है, मेरे पास बाइक है और मेरे पास बस है, अब किससे जाऊं? तो आप बोलोगे सर बाइक बेटर है। तो यहां पर आपको समझ में आया सिचुएशन को देख के आपने डिसाइड किया कि कहां बाइक बेटर है, कहां फ्लाइट बेटर है, कहां बस बेटर है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो वही बात यहां पर भी है कि बॉस यदि प्रोग्राम में लूप की का यूज हो रहा है तो हर प्रोग्राम वाइल फॉर डू वाइल से बन सकता है, लेकिन आपने प्रोग्राम देख के समझना पड़ेगा कि कौन सा लूप इस प्रोग्राम के लिए बेटर है, और वो तब समझ में आएगा जब आप तीनों लूप को पढ़ लोगे। तो शुरुआत हम करेंगे वाइल से, फिर हम फॉर देखेंगे, फिर हम डू वाइल देखेंगे, और फिर तीनों पे कंपैरिजन करेंगे। तो आप खुद ही समझ जाओगे उस लेक्चर के बाद तक कि कहां वाइल बेटर है, कहां फॉर बेटर है और कहां डू वाइल बेटर है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जहां नेस्टिंग की बात होगी वहां फाइल फॉर ज्यादा बेटर है, जहां मेनू ड्रिवन एप्लीकेशन की बात होगी वहां डू वाइल ज्यादा बेटर है। लेकिन अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा क्योंकि अभी हमने केवल इनको समझा है, अभी इनके प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन जब हम देखेंगे तो चीजें बड़ी आसान होंगी। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा कि किस तरीके की प्रोग्रामिंग में लूप की रिक्वायरमेंट होती है, जहां रिपीटेशन करना है, ठीक है। तो बात अगर हम करें तो हमने शुरुआत की थी लूप्स इन C++ से, ओके, और मैंने आपको बताया था कि जब भी प्रोग्राम में रिपीटेटिव टास्क परफॉर्म करना है, ठीक, वहां पर हम लूप को यूज करते हैं। किसी भी लूप की बेसिक तीन रिक्वायरमेंट होती है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। और फिर हमने बात की है कि C++ में हमारे पास तीन टाइप के लूप अवेलेबल हैं। फर्स्ट वन इज वाइल लूप, फॉर लूप एंड डू वाइल लूप। और तीनों का कॉन्सेप्ट क्या है, तीनों में डिफरेंस क्या है, तीनों को वन बाय वन पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो चलिए यहां तक अभी हमने बात की केवल इंट्रोडक्शन ऑफ लूप के कॉन्सेप्ट की। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे मिलता हूं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लूप के साथ, एंड दैट इज वाइल लूप, जहां पर हम वाइल लूप की बात करेंगे, वाइल लूप के सिंटेक्स की बात करेंगे, वाइल लूप को किस तरीके से यूज करना है इसके बारे में बात करेंगे, और नंबर ऑफ प्रोग्राम देखेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है, और ऐसे भी क्वेश्चंस की बात करेंगे जहां मैं आपको बोलूंगा ये लूप है, अब आप मुझे बताइए इसका आउटपुट क्या होगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं मुलाकात नेक्स्ट क्लास में, और आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, और यदि पसंद आ रहे हैं तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करिए, बने रहिए इस कोर्स में और पढ़ते रहिए, खुश रहिए, चिंता नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं मुलाकात, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।